देख रहे हैं इंडियन सिनेमा। गुप जी, आपका आपकी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। धन्यवाद गुप जी। आप ये बताएं कि काफी टाइम हो गया आपकी कोई भी मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इससे पहले आपकी हम्पी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया, फ्लाइंग जेट जैसी फिल्में आई हैं जो काफ़ी हिट रही हैं, तो अब दर्शकों को आपकी नई फिल्म देखने को कब मिलेगी? देखिए, जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ उस इंडस्ट्री में सिर्फ फिल्में नहीं, वेब सीरीज भी, एड्स भी, वो सारी चीज़ें करता हूँ। पिछले 2 सालों से जो पैंडमिक चल रहा था उस समय कुछ भी लॉन्ग फॉर्मेट शूट करना बहुत ही मुश्किल था, और पर्सनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी थोड़ा उसे वेट आउट करूँगा। एड शूट कर रहा था मैं, क्योंकि क्विक एड्स 1-2 दिन में सारे एड शूट हो जाते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग रिस्क। तो अभी नाउ इज द टाइम, आई थिंक एवरीथिंग इज स्टार्टेड, अभी वापस जा करके शूट करेंगे भाई। अच्छा, आपने किन किन कंपनियों के लिए, किन किन ब्रांडों के लिए एडवर्टाइजमेंट किए हैं? बहुत सारे, मैं पिछले 14 साल से ब्रांड कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारे, टू नेम अ फ्यू, ओला, तुम्हारा कोलगेट, एयरटेल, अभी रिसेंटली डोरिटोस का किया है मैंने, और वोक्सवैगन, अमेजोन ग्रोसरीज का एड अभी किया, काफ़ी किया है। ओलेक्स के पहले एड्स हमने किए थे, KFC, लॉट ऑफ ब्रांड। आपकी एक फिल्म स्टार हुई थी सरोज की शादी, उसके रुकने का रीजन क्या है? नो आइडिया, प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा बेटर पता होगा। मेरा काम था एक्टिंग करना, वहाँ से निकलना, आई वाज़न्ट वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, तो जिन्होंने प्रोड्यूस करी उनको बेटर आइडिया होगा कि कैसे उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म में लेकर के जा रहे हैं या नहीं लेकर के जा रहे हैं। नहीं, जैसे आपने फिल्म के लिए मेहनत की थी, आपने अपना काफ़ी टाइम भी दिया है, हाँ। तो महसूस तो होता नहीं हमने इतनी मेहनत की, लेकिन वो मेहनत जो है दर्शकों के सामने नहीं आ पाई है। बट अपनी इंडस्ट्री में पता है क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी फिल्में आपने शूट करी हो वो सारी आ जाएंगी। कभी कभार ऐसा भी होता है फॉर मल्टीपल रीजंस कि जो प्रोडक्शन हाउस है, जो जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, उनको अच्छी डील नहीं मिल रही है विद एनी OTT प्लेटफॉर्म, और एनी उनको स्क्रीन्स नहीं मिल रही, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। इट्स अ लॉट ऑफ, इट्स नॉट जस्ट फिल्म, इट्स बिजनेस ऑल्सो, सो उस हिसाब से उनकी स्ट्रैटेजी होती है। अब जहाँ तक कि मेरा काम था यहाँ पर, मैंने अपना काम किया, मैंने एक्टिंग करी, मैंने उस पर मेहनत करी, कैरेक्टर पर डेवलप किया अपने आप को, और परफॉर्म किया, और हमारा काम हो गया, हम निकल लिए वहाँ से। उसके आगे भी जब फिल्म को आगे बढ़ाने की बात हुई तो मैं भी उनके साथ था कुछ हद तक, बट उसके आगे उनका डिसीजन था। अच्छा, इस समय आपके कोई मूवी फ्लोर पर है? नॉट राइट नाउ, नहीं। अच्छा, इन फ्यूचर आप अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोलना चाहेंगे? जी हाँ। आपकी क्या प्लानिंग है, थोड़ा सा बताएंगे? प्लानिंग चल रही है, एक स्क्रिप्ट पे हम काम कर रहे हैं, वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो स्क्रिप्ट नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग तक रेडी हो जाएगी, फिर प्री प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, फिर पोस्ट प्रोडक्शन होगा आफ्टर द मूवी शॉट। सो थ्रू आउट द ईयर, नेक्स्ट ईयर थोड़ा बिजी लग रहा है इसी मामले में कि अपना खुद का कुछ प्रॉपर शुरू करना है। कोई टाइटल चूज किया आपने? टाइटल चूज किया है बट अभी नहीं बताएंगे, जब थोड़ा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी, सब कुछ प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो जाएगा तब बताएंगे। तो थीम क्या है उसकी? थीम एक बच्चे की कहानी है, और 1983 में विलेज में बेस्ड है, UP में, और काफ़ी सिंपल स्टोरी है। द स्टोरी इज, होल आइडिया इज टू सिंप्लीफाई लाइफ, सो उतना ही बता सकता हूँ अभी। आजकल काफी वेब सीरीज आ रही हैं, हाँ। तो सुना था कि आपको भी कोई वेब सीरीज ऑफर हुई थी, आपने इनकार कर दिया? नहीं नहीं, मैंने किए भी थे, मैंने कितने वेब सीरीज कर रखे हैं, और वो इनकार हो गया, वो तो फिल्मों के साथ भी होता है, कितने एडों के साथ भी होता है कि एड्स नहीं जच रही तो नहीं कर पा रहे फॉर मल्टीपल रीजंस, तो वो सब तो होते रहता है। बट वेब सीरीज हाँ करी है मैंने, काफी करी है मैंने, यशराज की पहली वेब सीरीज करी है, इट्स ऑन YouTube, इट्स कॉल्ड अ मैन्स वर्ल्ड, उसके 4 एपिसोड्स हैं, और वूट के लिए मैंने काफ़ी काम किया है, और काफ़ी वेब सीरीज भी करी है, 3-4 वेब सीरीज करी है। आप अपने मिलियंस फैंस के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? यही कि मस्त रहो, एकदम काम करो, वर्कआउट करो, ख्याल रखो, हेल्थ पे ध्यान दो, सिंस पैंडमिक चल रहा है, काफ़ी लोग सोच भी रहे हैं, ज़्यादा मत सोचो। अब आपके फैंस आपको बड़े पर्दे पर कब देख पाएंगे?
कितना इंतजार करना पड़ेगा उन्हें। बस दुआ करो हो जाएगा जल्दी। गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।